आज मुझे सरस्वती के उस मंदिर में आने का मौका मिला। जिसने विश्व शांति का आलोक जगाया, जिस विश्वविद्यालय ने एक नई सोच दी, नया चिंतन दिया, नया विचार दिया, और विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय के संस्थापक संरक्षक जो अपने आप में विद्वान, आध्यात्मिक ज्ञान जिनको एक लंबा अनुभव, एक किसान पुत्र के रूप में, फिर एक छोटा सा नन्ना पौधा शिक्षा का लगे, टेक्निकल एजुकेशन का ले गए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, संस्कार, विचार हो, और वह स्वयं के जो विचार हैं, जो उनका चिंतन है, वह जो सोच है, उसके आधार पर उन्होंने विश्वविद्यालय का संचालन किया। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आप जैसे महानुभावों के कारण हम बौद्धिक क्षमता और हमारे नौजवानों के नए इनोवेशन, नई सोच, नई चिंतन से विश्व गुरु बनेंगे और आपका सपना पूरा होगा। हमारे बीच में जो महामहिम राज्यपाल रहे, आईएएस अधिकारी रहे, अभी लोकसभा में हमारे वरिष्ठ सांसद है श्री श्रीनिवास पाटिल जी, जो लोकसभा में अधिकतम समय बैठकर जिन अपेक्षाओं आकांक्षाओं से उनको चुनकर भेजा है, जिस विश्वास भरोसे के साथ भेजा है, उस जनता की आवाज की अभिव्यक्ति भी करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं श्री श्रीनिवास पाटिल जी। जिन्होंने पूरे देश के अंदर, नहीं पूरे विश्व के अंदर, अपनी आर्किटेक्ट से, डिजाइन से, कला से, देश भर के अलग अलग गांवों से जो उनकी कला थी, उनके हाथ की हुनर था, उस छोटे दूर दराज के गांव में उस ग्रामीण व्यक्ति की डिजाइन करने की हस्तकला थी, उसका संरक्षण किया, उसका संग्रहण किया और डिजाइन की एक नई दुनिया दी। पद्म भूषण श्री राजीव सेठी जी, राहुल किराड़ जी, जिनका सपना है कि नेतृत्व के द्वारा हम देश के अंदर अच्छी शासन पद्धति लाएं, सुशासन लाएं, नौजवानों को लोकतंत्र प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम देश के जो हमारी विरासत मूल्य पद्धति है उसको स्थापित करें, इसके लिए राहुल जी लगातार प्रयास करते हैं। मेरे पास भी कई बार आए,
एक लंबी सोच है, एक लंबा विचार है। देश के नौजवानों को भारतीय लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी के लिए, और इसलिए उन्होंने राजनीति का महाविद्यालय खोला, जो शायद देश के अंदर पहला महाविद्यालय होगा। श्री प्रकाश जोशी जी, आर एम चिटनिस जी, मिलिंद पांडे जी, तमन पांडा जी, गणेश पोखले जी, निर्मल विद जी, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से जो विशिष्ट व्यक्तित्व यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के अध्यापक, यहाँ के डीन, और विशेष रूप से वो नौजवान विद्यार्थी जो कुछ सपने लेके आए हैं और इस विश्वविद्यालय से, इस कॉलेज के कैंपस से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करेंगे, जो अनुभव अर्जित करेंगे, उसके आधार पर भारत के नवनिर्माण में, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। ये पुणे की धरती एक बड़ी विरासत, बड़ी सांस्कृतिक और स्वतंत्रता सेनानियों का नगरी है। ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है। ये भूमि स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है, जिन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो हमारा अपना है, हम लेके रहेंगे। जिन्होंने शिक्षा के अंदर एक नया अलग जगाया, महात्मा फूले, और विशेष रूप से महिला शिक्षा के अंदर जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के अंदर है, ज्योतिमा फूले, ऐसे समाज सुधारक बहुत सारे हैं, जिनके समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे महान समाज सुधारकों की यह धरती है। अब ये धरती देश के उन नौजवानों को तकनीकी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, लॉ के रूप में एक देश के अंदर ऐसी बौद्धिक क्षमता के नौजवान का निर्माण करने की धरती है, जहां पढ़ने वाला नौजवान देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जहां पर जाता है, वहां उस देश के आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने में योगदान देता है। मुझे बता रहे थे कि यहां के एल्युमिनियम ने अलग अलग स्थानों पर अपनी ऊर्जा से, अपनी कृपता से अपना स्थान बनाया है। मेरे विद्यार्थी साथियों, नौजवान साथियों, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी, जब कभी भी बड़ा परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का वाहक हमेशा नौजवान रहा। चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीति परिवर्तन हो, चाहे विज्ञान का परिवर्तन हो, चाहे टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो, आध्यात्मिक, योग, विज्ञान, जब भी नया परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का वाहक हमेशा नौजवान रहा। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वह आने वाली पीढ़ी जिस कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से, अपनी बौद्धिक क्षमता से भारत के नवनिर्माण में योगदान दे रही है, जिसके कारण हमें गर्व होता है कि हम उस धरती के अंदर हैं और उस धरती के अंदर भी उस सभागार में बैठे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम का सभागार है।
जिन्होंने उस समय कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, और विश्व गुरु नेतृत्व करेगा हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण, उनके इनोवेशन के कारण, उनके आत्मविश्वास के कारण, उनके जुनून के कारण, उनकी कड़ी मेहनत के कारण, और आज हम ये सपना देख रहे हैं। और इस सपने को पूरा हमें ही करना है, अगली पीढ़ी का इंतजार नहीं करना, ये सोचकर ही हमें संकल्प लेना है। इसलिए आज के विषय रखते समय राहुल जी ने सही विषय रखा कि लीडरशिप, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस। जब लीडरशिप की बात आती है तो लोग सोचते हैं राजनीति नेतृत्व, लीडरशिप राजनीति नेतृत्व तो नहीं है। लीडरशिप तो हर कार्य में, हर क्षेत्र के अंदर, जहां भी जिस कार्य स्थल पर भी आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप सामूहिकता के साथ सबको साथ लेकर, सबके विचारों के आधार पर आप नेतृत्व दे सकें। एक जब नई हम रिसर्च करते हैं, मशीन पर कोई नया प्रयोग करते हैं, तो लीडरशिप देने वाला व्यक्ति सबके विचारों को लेता है, उनके सोच को लेता है, उनके चिंतन को लेता है, उनकी इनोवेशन को लेता है, और फिर वो उसमें नेतृत्व देने का काम करता है। तो लीडरशिप सामाजिक जीवन के अंदर, आर्थिक जीवन के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हमें होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता हम में होना ही चाहिए। और नेतृत्व की क्षमता को लक्ष्य से प्राप्त करने के लिए लगातार हमारे प्रयास होते रहना चाहिए। इसलिए नेतृत्व क्षमता व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देती है, नया परिवर्तन करती है, और अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन उपलब्ध कराती है। अच्छी डेमोक्रेसी होगी, अच्छा नेतृत्व होगा, तो गवर्नेंस भी अच्छे होगी। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी स्कूल में, एजुकेशन में, सामाजिक क्षेत्र में, दुकान में, व्यापार में, हॉस्पिटलिटी में, कहीं भी, राजनीति के अंदर अच्छी लीडरशिप होगी कार्यस्थल पर, तो वहां की गवर्नेंस भी अच्छी होगी, पारदर्शिता होगी, जवाबदेह होगी, कार्यकुशलता बेहतर होगी। इसलिए लीडरशिप के साथ गवर्नेंस जुड़ी हुई है। और शांति, सही कहा विश्वनाथ जी किराड़ साहब ने, मन की शांति, मन की शांति ही सबसे बड़ी शांति है। मन की जो शांत होगा तो निश्चित रूप से हमारे कार्य करने की, हमारी कार्य करने की प्रेरणा में हमेशा नई ऊर्जा हमें मिलेगी, काम करने की नई दिशा मिलेगी। शांति चाहे देश में हो, काल में हो, व्यक्ति में हो, जीवन में हो, परिवार में हो, कार्यस्थल पर हो, जहां काम करते हैं वहां पर, हर जगह शांति हमेशा व्यक्ति की कार्य उत्पादकता को भी बढ़ाती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और आत्मिक चेतना के माध्यम से काम करने की ऊर्जा भी पैदा करती है। ये तीनों विषय जो रखे हैं, निश्चित रूप से उस पर एक लंबा संवाद हो सकता है, लंबा चर्चा हो सकती है। और हमने देखा है कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई हमने लड़ी,
आजादी की लड़ाई में किस तरीके से हमारी लीडरशिप थी, कुछ लीडरशिप शांत थी, कुछ उग्रवादी थी, लेकिन सबका सामंजस्य था। हमने आजादी की लड़ाई को जीता, उसके बाद हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने लोकतंत्र की शासन पद्धति के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर और उनके सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो संविधान बना, जिस संविधान के लिए बड़ा मंथन हुआ, बड़ी चर्चा हुई, जब आप संविधान की डिबेट पढ़ेंगे, चर्चा पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हर संविधान के हर अनुच्छेद पर एक लंबी डिटेल चर्चा हुई, संवाद हुआ, क्योंकि वो लोग वो थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, एक बड़ा चिंतन था, सारी दुनिया को उन्होंने समझा, वहां के संविधान को समझा, और फिर उस संविधान को समझते हुए भारत की परिस्थिति के अनुसार, भारत की भौगोलिक मानवीय संवेदना के साथ, समानता के साथ, न्याय के साथ, अभिव्यक्ति के साथ एक ऐसा संविधान बनाया जो आज हमारा मार्गदर्शक है। और इसीलिए उस संविधान की मर्यादाओं को मानते हुए हमने इस लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए आज हम दुनिया के अंदर इस स्वाभिमान से कहने के लिए खड़े हैं कि आने वाला समय भारत का होगा और भारत नेतृत्व करेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना। इसलिए एक ऐसे प्रधानमंत्री की लीडरशिप, ऐसे नेतृत्व करने की क्षमता, एक लंबे सोच, एक लंबा चिंतन, देश को कहां ले जाना है, इस सोच से काम करने वाली लीडरशिप ने आजादी के 15 अगस्त के दिन देश को संकल्प लिया कि हम सामूहिकता की ताकत के साथ हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और इस विकसित राष्ट्र में बनाने में कोई का योगदान होगा तो भारत के नौजवानों का होगा। और इसीलिए जब G20 हो रहा है तो हमने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी वसुदेव कुटुंबकम, हमने हमारी बात कभी नहीं की, हमने सारे विश्व को अपना कुटुंब माना है, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी आपदा हो, हमारी आपदा विश्व की आपदा, विश्व की आपदा हमारी आपदा, यह हमारे संस्कार और संस्कृति है। और इसी थीम पर G20 हम करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में कोई हमें आजादी के बाद की डेमोक्रेसी नहीं मिली, हमारी डेमोक्रेसी का पुराना इतिहास अलग अलग वैशाली से लेकर चोल राजा से लेकर अलग अलग तरीके से हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, हमारी कार्यशैली, हमारी जीवन पद्धति में ही लोकतंत्र है। हमारी ग्राम सभाओं के अंदर जो कुछ भी निर्णय होते थे वो सामूहिकता के साथ होते थे, मिलकर होते थे, ये डेमोक्रेसी है। उस निर्णय को सब लोग मानते थे, कोई कानून से बाध्य नहीं किया जा सकता था, लोकतंत्र पद्धति से बाध्य किया। इसलिए हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उस समय कोई कानून नहीं मानने वाले पर कोई कानून लागू नहीं होता था, लेकिन लोगों के मन में एक धारणा थी, विचार था कि जो कुछ भी निर्णय हुआ, सर्वसम्मत हुआ, सबके सामूहिकता से हुआ, हमें मानना चाहिए। यह हमारी वैचारिक रूप से भी और हमारी सैद्धांतिक रूप से भी हमारी कल्चर में है। इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं, और दुनिया के अंदर G20 के अंदर हम बताएंगे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, ये भी हमारा इस G20 के माध्यम से संदेश दुनिया को जाएगा। और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि
ये विश्वविद्यालय जो हमेशा लोकतंत्र, लोकतंत्र पद्धति, लोकतंत्र कार्यशैली के लिए हमेशा यूथ पार्लियामेंट करता रहता है, महिला पार्लियामेंट करता रहता है, मुझे आशा है कि आप इस विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे देश के अंदर यहाँ का नौजवान, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का नौजवान महिला विद्यार्थी देश के हर विश्वविद्यालय, कॉलेज, हर जिले के अंदर जाएं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है, जो कुछ भी रिसर्च हमने किया है, अन्य लोगों ने किया, रिसर्च हम देंगे आपको। और भारत के हर जनजन के अंदर, हर व्यक्ति, हर नौजवान के मन में ये भाव पैदा हो जाए कि मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे देश के लिए जीना है, मुझे मेरे देश को विकसित भारत बनाना है, दुनिया के अंदर सबसे अग्रिम पंक्तियों बनाना है, दुनिया के अंदर अगर कोई रिसर्च हो, रिसर्च का हो तो भारत में हो, कोई विज्ञान और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो तो भारत में हो। जिस तरीके से हमने योग विज्ञान के माध्यम से दुनिया के अंदर, हमारे योग विज्ञान पद्धति से दुनिया आज स्वास्थ्य की ओर बढ़ रही है, इस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर भारत जब नेतृत्व करेगा, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी कार्यकुशलता, उनकी अद्भुत क्षमता, उनकी सामर्थ्य शक्ति के माध्यम से तो हम दुनिया के अंदर नेतृत्व करेंगे और दुनिया भारत की ओर देखेगी, ये हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए आज आपके इस MIT शांति विश्वविद्यालय में आना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन की शांति, तन की शांति भी यहां पर मिली। किस तरीके से आप नए नए कोर्सेज चला रहे हैं, बदलती परिस्थिति में क्या नौजवानों की आवश्यकता है, उनके अनुसार आज स्कूल ऑफ डिजाइन की बिल्डिंग का भी उद्घाटन हुआ। मुझे आशा है कि आप हर विषयों पर, हर सब्जेक्ट पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट और चर्चा के माध्यम से जो संवाद और चर्चा के माध्यम से जो मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत से हम देश का कल्याण हो, नौजवान के जीवन का परिवर्तन हो, अपने नए आइडियाज को साझा करेंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे और सबके साथ सांजन्य बनाकर, सबके साथ मिलकर, अलग अलग विश्वविद्यालय कॉलेजों के अनुभव, विचार, उनकी प्रैक्टिस, उनका इनोवेशन, उनका रिसर्च, जो कुछ भी किया है, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास करें, ताकि हमारी सामूहिकता की जो भावना है, हमारी सबके साथ करने की, सबके कल्याण करने की जो हमारी भावना है, उससे हम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। इसलिए हमें एक दूसरे से जोड़ना भी पड़ेगा। इसके लिए भी मुझे लगता है कि राहुल जी, आपको प्रयास करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए और एक नई दिशा देना चाहिए कि सभी दुनिया, भारत में होने वाली टेक्नोलॉजी, नए रिसर्च, नए इनोवेशन और दुनिया में होने वाले रिसर्च टेक्नोलॉजी को हम परस्पर कैसे आदान प्रदान कर सकें, ताकि हम जल्दी हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकें और जो दुनिया के अंदर परिवर्तन हो रहा है उसको भी देखें और भारत में भी जो अलग अलग गांव, शहर, ढाणी, छोटे कस्बों के अंदर भी जो नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है, उसकी अद्भुत क्षमता है, उसका नया सोच, नया चिंतन की क्षमता है, उस गांव के नौजवान को भी मौका मिले विश्वविद्यालयों में आकर रिसर्च करने का, नया इनोवेशन करने का, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकें। मैं पुनः आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है कि आपने जो यहां सोच कर आए हैं और जिस लक्ष्य से आए हैं, वो लक्ष्य आपका पूरा होगा और हम कड़ी मेहनत, पूरी ऊर्जा के साथ, हमारी आंतरिक चेतना को जागृत करते हुए
अपने लक्ष्य को भी पूरा करेंगे और इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने पर विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।